मोरया को लेकर एक बार फिर से चर्चा होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब एक बार फिर से केस वापस लेने के बाद चर्चा अब ये हो रही है कि ज्योति मोरया और आलोक मोरया ने फिर से एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला ले लिया है। जहां पर बात तलाक पर आ पहुंची थी, वहीं अब दोनों शादी कर रहे हैं। दोनों की शादी की तस्वीर सामने आ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ज्योति और आलोक ने शादी कर ली या ये महज एक अफवाह है? क्या है इस वायरल तस्वीर का सच? देखिए वीडियो। एसडीएम ज्योति मोरया को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल ज्योति मोरया के साथ साथ आलोक मोरया की एक तस्वीर सामने आई है और इसी तस्वीर को लेकर खूब सारी चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर होने लगी है। इस तस्वीर में शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं कोई और नहीं बल्कि एसडीएम ज्योति मोरया के साथ साथ आलोक मोरया, और इसी के साथ खूब सारी चर्चा भी हो रही है। बताते चले आप सबको कि कहा जा रहा है कि ज्योति और आलोक ने फिर से शादी रचा ली है। दोनों फिर से एक हो चुके हैं। जहां दोनों ने केस वापस ले लिए तो दोनों ने फैसला भी ले लिया कि एक बार फिर से अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करेंगे, लेकिन शादी के साथ। जहां दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा खटास आ गई थी, तो इस खटास को खत्म करने के लिए दोनों ने शादी करने का फिर से फैसला लिया और दोनों ने फिर से शादी कर ली। अब जब ये तस्वीर और खबर सामने आई तो हमने लिया फैसला सच जानने का, आखिर सच क्या है। और तब जाकर ये बात पता चली कि ज्योति आलोक को लेकर जो शादी की तस्वीर वायरल हुई है वो दरअसल फर्जी है। इस तस्वीर को फोटोशॉप की मदद से एडिट किया गया, जहां पर दुल्हा और दुल्हन के चेहरे पर ज्योति और आलोक का चेहरा कुछ इस तरह से लगा दिया गया कि लोग यहां पर चर्चा करने लगे ज्योति और आलोक की शादी को लेकर। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि ज्योति और आलोक की शादी को लेकर जिस तरह से फर्जी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर उड़ रही है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? आपको बता दें कि इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई हमने आपको बता दी है और साथ ही रिपोर्ट के जरिए राज भी खोल दिया फर्जी तस्वीर के साथ साथ फर्जी रिपोर्ट का। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट।